हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम, मैं नीलम राणा स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। अभी मैं हूँ घर पे और इससे पहले मैं जा रखी थी घास के लिए और मैं घास लेके आ रही हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत 10:30 बजे से हो रही है और मम्मी और तो खेत में जा रखे हैं, आरोही जा रखे हैं स्कूल, पापा शायद मार्केट जा रखे हैं एंड अभी नाश्ता पानी भी नहीं किया है। मैंने सोचा पहले घास ला के घास निपटा देती हूँ क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा और ऐसे में इतनी पसीना हो रही है ना खेतों में जाके, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार। इस धूप ने तो बुरे हाल कर दिए हैं। वैसे तो मैं सिलाई करने की सोच रही थी लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सिलाई हो पाएगी क्योंकि अब थोड़ी देर में मुझे आरोही को लेने जाना है स्कूल, उसको भी लाना है स्कूल से। तो फिर जैसे ही आरोही आ जाती है तो आरोही तो सिलाई करने नहीं देती है। सूट काट के मैंने कल के रख दी थी लेकिन सिलने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कल भी आरोही और वो अंशिका मेरे साथ में थी, तो वो दोनों में सोचा अगर मैं सिलाई करूँगी तो ये बोर हो जाऊँगी, तो मैं उनके साथ बैठी रही। और आज सोच रही हूँ क्या करूँ, सिलाई भी करनी है तो देखती हूँ क्या क्या होता है। हे गाइस, तो दिन की 12:30 बज चुकी है, मेरा खाना वाना बन के तैयार है। आज मैंने क्या किया कि राजमा दाल सोयाबीन दाल मिक्स की और उसको पीसा और उसका साग बनाया है। पहाड़ी लैंग्वेज में बोले तो गुड़चुआणी, तो ये बनाया मैंने आज पिसी हुई दाल का साग। और आरोही स्कूल से आ चुकी है, आज पापा गए आरोही को लेने, अंशिका भी जा चुकी है घर पे, वो भी अभी गई, उसके दादाजी आए हैं वो ले गए, मैं चाचा जी दे के चले गए हैं उसको। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आरोही को थोड़ा सुला देती हूँ क्योंकि भयंकर वाली धूप हो रही है ये देखो। और हमने डाल रखी है यहाँ लकड़ियाँ सुखाने के लिए क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो ऐसे में लकड़ियाँ अच्छे से सूख गई हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सुखाने के लिए लकड़ियाँ डाल रखी है। और वहाँ कल की लकड़ियाँ डाली हुई थी वो भी अच्छे से सूख गई होंगी, तो उनको भी शाम के टाइम लेके आएंगे हम। फिलहाल यहाँ दरवाज़ा वराजा बंद कर देती हूँ मैं एंड इतनी तो तेज़ धूप हो रही है। मैं मम्मी और भाभी अभी भी खेत से नहीं आए हैं और धूप तो बहुत तेज़ हो रही है यार, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, बोले तो बाहर में रहा भी नहीं जा रहा इस धूप में। ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं छाँव में बैठी रहूँ और नहीं, मतलब बहुत भयंकर वाली धूप हो रही है यार, क्या ही बताएं। और ये देखो इतनी सी लकड़ियाँ हमने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखी है। और आजकल मतलब रास्ते का पानी भी सूख गया है इस धूप की वजह से, हर जगह का पानी सूख गया है। अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम सूखा सूखा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो पानी देख देख के भी बुरे हाल हो गए थे इस बारिश से। और आरोही मेरे मुंह में देख रही है कि ये कब बोलेगी कि चल सोने जाते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरे पति जी को कितनी क्यूटी बनी हुई है इधर रे, ये देखो आरोही को देखो, सब हाय करो हाय। तो देखा आरोही आजकल रोज स्कूल जा रही है, इतनी खुश हो रही है ना स्कूल जाने के लिए, क्या ही बताएं, बोल तो बहुत खुश हो रही है स्कूल जाने के लिए, नहीं तो रोती थी, आजकल रो भी नहीं रही है, खुश हो रही है। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल से आ गई हूँ, एकदम खुश हो जाती है मेरी भतीजी। तो अभी आरोही और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, इसके बाद मिलती हूँ आपको बाद में। हे गाइस, तो शाम की 4:30 बज चुके हैं और मैं आई हूँ अभी लकड़ियों के लिए। और यहाँ पे देखो लंगूर बैठा हुआ है, मैंने जो परसों सुखाने के लिए डाली थी उन्हीं को लेने के लिए आ रखी हूँ। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंगूर आ रखे हैं, इतने भयंकर हैं कि जिस भी पेड़ पर नज़र लगा रही हूँ उस पर लंगूर ही लंगूर दिख रहे हैं। अभी दिखा दूँ मैं आपको ऊपर में जाके कितने ज़्यादा, हर पेड़ पर आपको लंगूर ही दिखेंगे, इस वाले पेड़ पर भी है और इस वाले में भी बैठे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आ रखे हैं आज। अभी तो ये यहीं पे हैं लेकिन बाद में ना ये पूरे गांव में फैल जाते हैं, इतना नुकसान करते हैं। जैसे कि आजकल लोगों के कद्दू लगने शुरू हो गए हैं तो ये उन्हें फूल पे ही तोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है इस पेड़ पे एक लंगूर और उसका क्यूट सा बेबी, तो इन्होंने भी बहुत परेशान करके रख दिया है यार, क्या ही बताएं, इतना परेशान कर रखा है कि अभी दिखा दूँ। ये देखो मंदिर के यहाँ में बैठे हुए हैं और कितने ज़्यादा, जैसे जैसे मैं उनके साइड जाऊँगी ना वो भागना स्टार्ट कर देंगे यहाँ वहाँ, फ़िलहाल बैठे हुए हैं। मुझे तो डर है मेरे पे बिल ना आ जाए वो खाने को।
ये देखो इनपो यहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ पे आए तो ये यहाँ से तो हट गए हैं, लेकिन दो तीन नीचे हैं, कुछ कुछ यहाँ पे है। तो आजकल गांव में लंगूर का कुछ ज्यादा ही आतंक हो रहा है यार। ये देखो इन पे, और अभी होने लग गए है बहुत ज्यादा बारिश, तो फिलहाल मैं मेरे लकड़ियों की बारी लगा देती हूँ क्योंकि जोरों से आ गए यार। ये मैंने भारी लगा तो दी है और नीचे से बारिश आ रही है। यहाँ पे देखो ये लंगूर कैसे मेरे को घूर रहे हैं, इसको देखो पहले। क्या देख रहा तू? तो गाइस आज यहाँ पे आ रखे हैं चाची जी और ताई जी और मम्मी के साथ बैठने आ रखे हैं। अभी शाम के टाइम पे बैठने आ रखे हैं सब लोग। और मौसम देखो कुछ ऐसा सुहाना हो रखा है अभी, ये देख सकते हैं आप कितना गजब वाला हो रखा है। और आरोही खारी यहाँ पे तुलसी की पत्तियाँ आप देख सकते हो लगी हुई है बंदरों की तरह। एक पहले मैंने बंदर दिखाया था, एक बंदर ही है। यहाँ पे एक बुबू बैठा हुआ है, कल्लोसा कुत्ते का पिल्ला। और यहाँ पे देखो छोटी सी अंतरा और अरमान है चाचा जी के गोदी में बैठे हुए हैं, और वो भी पता नहीं किसको देख रहे हैं वहाँ नीचे रास्ते में, मस्त करके बैठे हुए हैं वो भी। उस शाम के टाइम का मज़ा ले रहे हैं अभी बैठ के। और अरमान आ चुका है इस साइड, पता नहीं क्या देखने आ रहा है। एंड ये लोग लगा रहे हैं अभी गप्पे सप्पे, तो मैं सोच रही हूँ मैं तब तक छत में घूमने चली जाती हूँ। इन्होंने चाय वगैरह तो पी ली है और आरोही चली गई है बीच में नखरे करने। है गाइस तो शाम की 6 बज चुके हैं और अभी आ रखे हैं हम छत में, और निधि आ रखी है आरोही के साथ खेलने, और निधि और आरोही खेल रहे हैं। और ये देखो पूरा मतलब धुंधला धुंधला सा हो रखा है अभी, मतलब ये पता नहीं चल रहा कन्फर्म कि बारिश है या फिर धुंध फैली हुई है। तो हर जगह मतलब एकदम धुंध से फैली हुई है, अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है क्योंकि अभी अंधेरा नहीं होना था। मैं भाभी के कपड़े धो रखे हैं तो यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखे हैं, सूखे होंगे शायद। और यहाँ पे काट रही है मेरी एक दीदी जी घास, और हमने सोचा थोड़ा छत में जाते हैं दो चार रील बना देते हैं, तो दो चार रील बनाए एकदम झकास वाली छत में आके। और आरोही यहाँ पे फुल मस्ती कर रही है, एकदम बिंदास हो रखी है, फुल खुश हो रखी है यहाँ पे। एंड ये देखो तो आज मतलब बहुत गर्मी हो रही है, मतलब उमस टाइप की हो रही है, ना कि ठंड और ना ही गर्म, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि पसीना टाइप सा आ रहा है। तो जैसे ऐसा बोलते हैं पहाड़ों में कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उमस होती है उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तो शायद आज रात बारिश हो या फिर ना हो ये तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम थोड़ा छत में इंजॉय कर लेते हैं क्योंकि शाम के टाइम ना छत में घूमने का अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही अंदाज होता है छत में इधर उधर घूमने का, क्योंकि गर्मी भी लगती है और शाम के टाइम मस्त वाली मस्त सी ठंडी वाली हवा आ जाती है ना, इसलिए। ए गाइस तो शाम के 7 बज चुके हैं और बहुत गर्मी हो रही है यार, गर्मी से बुरे हाल हो गए हैं। छी, यहाँ पे बैठी हुई है आरोही और मम्मी जी बैठे हुए हैं और बहुत गर्मी लग रही है यार, परेशान हो गए इस गर्मी से, पसीने से बुरे हाल हो रहे हैं। इस तो गर्मी पता नहीं क्यों लग रही है यार, ऐसा लग रहा है मई जून का महीना होगा जैसे, जो कि अगस्त लगने वाला है। लग गया? हाँ आज से तो अगस्त स्टार्ट हो गया,
फिर भी देखो कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं यार। तो चलो दोस्तों फिर इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, अब मिलेंगे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, मेरी ब्लॉग देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर, जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय गढ़वाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, एंड गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बाय बाय।